पता क्योंकि मेरे पास खड़े हुए बहुत से लोग सुन रहे हैं और मेरी जलालत होने वाली है मुझे लग रहा है। चलिए अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या होने वाला है आगे। ठीक कहते हैं कि फ्राई हुए होता हुआ दिखाते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच गए मशहूर शेखपुरा के पहलवान शामी के बाबा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँच करें। लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने देख लिया होगा कि मैं सोया नहीं, पहले भाई ब्लॉग की वीडियो मैंने इस वीडियो से पहले बनाई है भाई, तो सोया नहीं हूँ मैं। सही नहीं है कि अभी थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ करते हैं, जो भी करना है यार। फिर उसके बाद जाएंगे इंशाल्लाह फूफा भी करना है। सीन क्या है देखते हैं, जो भी है आपके सामने आ जाएगी सारी अपडेट। करते जी अपना व्लॉग आज का शुरू। अभी भाई सीन कुछ ऐसे, आपके भाई ने फ्रेश होकर मुंह हाथ वगैरह सब कुछ कर लिया, धो लिया और सुबह उठते ही कौन कौन सा फील हो रहा है भाई के, रात सोया भी नहीं, उसके बावजूद फिर भी फील अच्छा हो रहा है। सीन करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। अभी हमारी प्यारी सी कज़न पुराना से नाश्ता बना रही है, आपको दिखाता हूँ नाश्ता। आज मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ पंजाब जब से आया हूँ। खैर अभी आप मैं वीडियो बंद करने की देर है और जो मेरे पे बरसात होनी है मुझे ही पता है क्योंकि मेरे पास खड़े हुए बहुत से लोग सुन रहे हैं और मेरी जलालत होने वाली है मुझे लग रहा है। चलें अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या होने वाले आगे। ये देखें गुलाई हो या नहीं हो, ये बुलबुल आते हैं ना, फिर मुझे कहते हैं सब्र नहीं होता आपसे। अभी ये पराठे तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह से, यहाँ पे गैस कम होता है इसलिए कंप्रेसर हमने पहले तैयार रखा हुआ है। और सीन ये है कि अभी इंशाल्लाह तैयार होते हैं, फिर कहते हैं कि फ्राई हुए होता हुआ दिखाते हैं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी वाइट आटे के पराठे, दही है घर में जमाई भी दही है बट बाजार वाली। और ये है मेरे फेवरेट आलू की कतलियाँ, नुमा बनाई हुई हैं पर मेरी अम्मी कतलियों की सूरत में बनाती हैं नदी सूरत। और ये फुप्पा मदानी फेर रहे हैं अपनी दही में। और ये है जी हमारा नाश्ता, नाश्ता करते हैं फिर देखते हैं क्या सूरत है। अच्छा तो बड़े भाई जान जी मेरी बात सुने, मैं सोया बिल्कुल भी नहीं, वीडियो एडिटिंग वगैरह में बहुत टाइम लग गया, नमाज वगैरह से फारिग हुआ हूँ, अभी फ्रेश हुआ हूँ, आगे टोपी भी नहीं पहनी मैंने, टोपी पहनती हैं पप्पू ने, अभी कुछ पकाया नहीं है ना टिकियाँ मैंने यहाँ से भी लेनी है, मैंने जहाँ जाना है बिलाल के पास अभी, अल्लाह करे कि पैसे दे दे भाई, इतना जलील कर रहा है यार। जाएंगे वहाँ पे जाके शामी टिकियाँ और नान जो आपको मैंने कहा था मशहूर है वहाँ पर दिखाता हूँ, खाते हैं जाके इंशाल्लाह। अभी निकलते हैं घर से, रेडी तो हो ही गए, चार्जर उठाना और निकलना है बस जी बस, फाइनल टच इट फाइनल है। अभी कुछ फाइनल पता नहीं है कि यार मैं वहाँ जाके अभी खाना खाऊंगा नहीं खाऊंगा, और जाके शायद कह नहीं सकते, देखते हैं क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुँच गए मशहूर शेखपुरा के पहलवान शामी कबाब वाले जंडियाली रोड के। अभी ये नान भी ऊपर तल के देते हैं, देखते हैं जब आप सामने आते तो फ्रेश आपको दिखाता हूँ मैं, जब मेरे सामने आती तैयार हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं पैदल पैदल ही निकला और मैं नान टिक्की शामी नान और टिक्कियाँ ले ली है मैंने। अब बिलाल की दुकान पर जाके देखते हैं भाई वहाँ कोई प्लेट वगैरह है या नहीं, हमारा शॉवर भी शुरू हो रही है। अपने ट्रेनिंग में चल रहा था अभी कुछ दिन पहले कि असियाँ पिंडा आले जाट, अल्लाह रहम करे, नहीं ऐसा नहीं है, खैर जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। ले तो लिए भूख भी बहुत शिद्दत की लगी हुई है, जाके देखते हैं। कितनी घाटियों से गुजर के जाके बिलाल की दुकान आती है, हाय हाय लगता है सारा पंजाब में वेट लूज हो ही जाएगा मेरे पैदल चल चल के। अभी जाना है लाहौरियाँ से, पैसे मिल जाए अल्लाह करे फिर। ये देखिए जी ये शामी कबाब को पता कराची में जान छोड़ रहा था नहीं था शामी कबाब की। ये जी हमारा अभी खाना खाते हैं फिर देखिएगा सीन है क्या नहीं है। यार ये देखो यार क्या सोच यार, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम ये तो जलील हो गए। 2000 की बात की थी उन्होंने, 2000 के एक हज़ार पेपर उन्होंने दिया यार, क्या सिस्टम चल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं भी कुछ ना कुछ करके निकलूँगा अभी यहाँ से, परेशान क्यों हो रहा है ऐसी तैसी भाई। ये नहीं यार हद होती है यार, एक खड़े हुए एक सेठ साहब, ये खड़े हैं घर सो रहे हैं। मैंने यार इसके इंतज़ार में कॉल नाटो खोल लिया, कुछ 1000 रुपये दे दिए, पर 1000 रुपये दे तो दिए पर सीन ये है 1000 पैसा शाम में देगा आगे बैठा हुआ शर्म का काटा। रात में आके पैसे से बात करते हैं क्या सीन है क्या नहीं, बाकी इंशाल्लाह खाते हैं फिर जाता हूँ घर, लाहौर तो नहीं जा पाऊँगा, शायद गुजरावाला जाऊँ कल या परसों, जो होगा दिखाते रहेंगे आपको साथ के साथ, अभी घर ही जाऊँगा ये खा के। बिग स्लाइस अब ले लिए मैंने रास्ते में से आते हुए, वापसी पे 1000 रुपया मिला था उससे, 1000 रुपये शाम को जाऊँगा उसको बोलूँगा दे भाई उसके भाई को फैसल को। और दूसरी चीज़ से उन जो सी है सीन सारी गलियाँ ख़राब पड़ी हुई हैं यार यहाँ पर, और
दूसरा सीन है, दूसरा सीन कुछ ऐसे है कि अभी शायद मैं कल या परसों गुजरांवाला जाऊंगा, पर अभी लाहौर जाना मुश्किल हो जाएगा शायद। अगर जाऊंगा भी तो सिर्फ और सिर्फ कपड़े लेने के लिए जाऊंगा अपने, अभी देखते हैं क्या होता है। जा रहा हूँ घर की तरफ। भाई दुकान पे गया था ये सामान लेने के लिए, काला बिस्किट, ब्रेड और स्टिंग। ये क्या आ गया फूफो के वादे करते, फिर घर जाके थोड़ी देर लेटता हूँ यार, गाँव की सही से नहीं बना पाया आज। देखते हैं क्या हो जाएगा इंशाल्लाह, बोलो सही तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं रात में भी आ गया, देखें फैसल फिर भी मिला अभी तक, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका, क्या सीन है क्या नहीं, क्या जगह है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा यार। बहुत अच्छी ज़रूरत है, अल्लाह खैर ही करे, अपनी भी ध्यान लगा, आए तो हैं देने के लिए यार, पता नहीं क्या बनेगा, क्या करना है क्या नहीं, आज इतना टाइम हो गया कुछ। हमारे दो बच्चे हैं यहाँ पे, हसन ये अब्दुल रहमान, मोबाइल तो नीचे करो। ये दोनों बच्चे हैं, इनके भतीजे हैं, अभी इंशाल्लाह उसका इंतज़ार कर रहा हूँ फैसल का, जिसने कहा था फिर देखने क्या सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रात को मैं ना फैसल की दुकान से वापस आ गया था, सीन कुछ ऐसा था कि यार देखें कोई हद होती है, नहीं वो नहीं है, उसने कहा नहीं है पैसे मेरे पास, खैर उसने वादा किया था आज का, चले देखते हैं क्या सीन होता है क्या नहीं होता, जाता हूँ उसके पास। आशा भी लोग यहीं ख़त्म करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, मेरे आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँचते हैं। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।